नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं आपके साथ पायल भुयान और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचांग में। आज सोमवार का दिन है, आज एकादशी तिथि भी है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ गौरी शंकर का पूजन करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईबीएन 7 के स्टूडियोज में। इनसे जानेंगे क्या कहते हैं आपकी राशि के सितारे, राशि के अनुसार क्या खास रहेगा आपके लिए, आज का दिन कैसा गुजरेगा, ये सब बताएंगे आपको आपकी राशि के जरिए, क्योंकि आपकी राशियों से जुड़े हैं आपकी किस्मत के सितारे। राशियों पर बात करें उससे पहले आपको बता दें कि आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें लगातार फोन भी कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी जान सकते हैं। हमें आप इस नंबर पर फोन करें 0120-434-1640 0120-434-1640 पर। तो चलिए पहले जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव का बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। दुनिया के जगत में बहुत सारे 33 कोटि देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में किया है, लेकिन जो भगवान शिव से भोला देवता इस दुनिया के इतिहास में दूसरा नहीं है। इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव का ध्यान किया गया है। भगवान शिव धन और विद्या के अधिपति हैं। भगवान शिव का ध्यान करने से मनुष्य को विद्या और धन दोनों की प्राप्ति होती है। तिथिवार नक्षत्रम चा योगम करणम एव चा प्रातः काले शुणिया नित्यम गंगा स्नान फलम लभेत। तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इन पांच चीजों के प्रतिदिन प्रातः काल श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तदनुसार आज विक्रम संवत 2072 शाक 1937 चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है और सोमवार है। पुष्य नाम का नक्षत्र जो कि नक्षत्रों का सम्राट है, पुष्य नाम का नक्षत्र है, सुकर्मा नाम का योग है और वणिज नाम का करण है। अगर अंग्रेजी तारीख की बात करते हैं तो आज मार्च की 30 तारीख हो गई है और सन 2015 है। इस प्रकार से समस्त पंचांग को प्रतिदिन प्रातःकाल श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्कुल शास्त्री जी, और राशियों पर बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है panchang@network18online.com और हमारे लाखों दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं, अपने समस्याओं का समाधान पूछा है। इस कार्यक्रम में हम उनकी समस्या दिखाएंगे और समाधान भी बताएंगे जिससे उनको लाभ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं राशियों की ओर और कैसा रहेगा आज का दिन मेष राशि वालों के लिए, ये जानते हैं शास्त्री जी से। देखिए, हम जहाँ राशियों की बात करते हैं, इस अंड पिंड ब्रह्मांड में इस आकाश के नीचे जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, दृश्यमान या भाषमान हो रहा है, इसु सर्वेशु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शभि। वह सब कुछ ग्रहों के अधीन है, इसलिए लिखा है ग्रहाधीनम जगत सर्वा। इसलिए और वह जो ग्रहों के अधीन है उनका प्रभाव 12 राशियों के माध्यम से समस्त पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि पर जहां मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, चलता व्यापार अचानक रुक सकता है, भाई एवं परिवार में मतभेद हो सकते हैं। धन लाभ का योग आपकी राशि पर बहुत सुंदर बन रहा है और इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम बना रहेगा। इसके लिए जो मैं आपको उपाय दे रहा हूं, आप ये उपाय अवश्य करें। माँ दुर्गा की आरती करें, आरती के लिए 9 बत्तियों का प्रयोग करें और आरती में शुद्ध घी या तिल के तेल का प्रयोग करें। भगवती जगदम्बा की कृपा से निश्चित रूप से आपकी समस्त बाधाएं दूर होंगी। और एक बात आपको और बता दूं कि देवी की आरती करते समय आप आरती को 9 बार घुमाएं, देवी की आरती का यही विधान है।
बिल्कुल, और आपको हम उम्मीद करते हैं कि ये जो उपाय बताए जा रहे हैं अगर आप उसे करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। और सुबह का वक्त है, ऑफिस के लिए निकल रहे होंगे, कॉलेजेस के लिए जा रहे होंगे, तो कैसा रहेगा आज का दिन ये हम बताने की कोशिश करें राशियों के जरिए, क्योंकि आपकी राशि में ही छुपा है आपका भाग्यफल। वृष राशि के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है शास्त्री जी? देखिये, जहां मैं वृष राशि की स्थिति देख रहा हूँ, विरोधियों से आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है। समय आपका बिल्कुल मददगार है और व्यापार में उन्नति का योग भी बन रहा है। मानसिक अशांति आपकी बनी रहेगी, आपकी असंतुष्टि ही आपकी परेशानी का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, सांख्य शास्त्र का कपिल ऋषि का दिया हुआ सूत्र है, मनुष्य की परेशानी का कारण उसका मन ही होता है। इसके लिए जो मैं आपको उपाय दे रहा हूं ये बेहद लाभकारी है। वृष राशि के जातकों को चाहिए कि शिव मंदिर में बैठ करके भगवान शिव के चालीसा का 11 बार पाठ अवश्य करें और शिव मंदिर में बैठे हुए पुजारी को मीठी रोटी, मक्खन और दक्षिणा दे करके उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी और आपका भाग्योदय भी होगा। और हमारे दर्शक हमें लगातार ईमेल्स भेज रहे हैं। एक ईमेल आया है मेहुल पटेल का, इनकी जन्मतिथि शास्त्री जी 11 सितंबर 1988 है, जन्म समय इनका सुबह 9:45 है, जन्म स्थान बयाद गुजरात है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी नौकरी कब तक लगेगी और कब आर्थिक रूप से ये सक्षम हो पाएंगे। देखिए, जहाँ पर मैं अविनाश जी की बात कर रहा हूँ, आपकी जो कुंडली है यह मीन लग्न की कुंडली है, और देखिए तुला लग्न की कुंडली है, और आपकी इस तुला लग्न की कुंडली में तुला लग्नोदय जाता है सुधी सत्कर्म जीवी कहा विद्वान सर्व कला विज्ञो धनाढ्यो जन्म पूजिता। तुला लग्न में जन्म लेने वाले जो लोग हैं ये बहुत विद्वान व्यक्ति होते हैं, बहुत उद्यमी होते हैं, स्वयं जीवन में इतने संपन्न नहीं होते लेकिन संपन्न व्यक्तियों के द्वारा उनका सम्मान अवश्य होता है। वर्तमान समय में आपकी जो महादशा है, विंशोत्तरी महादशा है, वो मंगल की महादशा है और इसमें राहु की अंतर्दशा चल रही है। 15 मई 2017 तक आपकी यही स्थिति रहेगी और 15 मई 2017 के बाद आपकी सफलता का योग बनता है, लेकिन उससे पहले आपको सफलता मिले उसके लिए जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ यह आपकी कुंडली के आधार पर है, आप ये उपाय अवश्य करें। देखिए, सबसे पहले आप ये समझें कि आपने कोई ऐसी मन्नत मानी हुई है विद्या अध्ययन काल में, विद्यार्थी के समय में, जो आपने आज तक पूरा नहीं किया। सबसे पहले आप ध्यान करें क्या मन्नत आपकी अधूरी है, आप उसको पूरा करें। और दूसरी बात, अगर आपको वह मन्नत ध्यान में नहीं आती, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अमावस्या के दिन ब्राह्मण को बुला करके आप उनको भोजन कराएं और धोती कुर्ता दक्षिणा दे करके उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। इससे आपका भाग्योदय निश्चित होगा और आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। चलिए शास्त्री जी, लगातार हमारे दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जालंधर से तीरथ कौर जी जुड़ चुकी हैं। तीरथ जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, ओके जी। तीरथ जी सवाल, नमस्कार। जी तीरथ जी सवाल पूछिए। हेलो जी तीरथ जी सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का बर्थ है 7 मार्च 1996। मेरे बेटे का बर्थ है 7 मार्च 1996 2:58 PM। मैडम जी सवाल क्या आपका? मैंने पूछना, आज उसका लास्ट एग्जाम है मेडिकल का लास्ट एग्जाम है, तो उसकी उसकी आगे की पढ़ाई कैसे रहेगी, और बाहर जाएगा, बाहर की पढ़ाई करेगा कि इंडिया में करेगा? उसका नाम विक्रमजीत है मैडम। देखिए, वर्तमान समय में आपकी यह जो कुंडली है ये कर्क लग्न की बन रही है और कर्क लग्न के अनुसार कर्क लग्न में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं, प्रायः कर्क लग्नोदय जाता है, ऐसे जो जातक होते हैं ये समुद्र पार ही जा करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में आपकी राहु की दशा चल रही है और यह भी आप निश्चित समझें कि राहु की दशा जो होती है, बुद्ध्याविहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विश आपद मृत्यु तुल्यम व्याधिर वियोग धन हानि विष्पान चैव राहु दशा सृजति जीवित संशयम चा। राहु की दशा हमेशा परेशानियों का कारण बनती है
और आपका जो राहु है वो तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है और ये सारी कुंडली थोड़ी परेशानियों से घिरी हुई लग रही, इसलिए आपको चाहिए कि आप निश्चित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और आपके जीवन उन्नति में जाएगा। बिल्कुल, अब बढ़ते अगली राशि की ओर, मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, जहां पर मिथुन राशि पर ग्रह स्थिति में देख रहा हूं, आपकी उन्नति का कारण जो है ये अभी आप रुकी हुई है और जब तक आप अपना जन्म स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे वह तब तक आपकी उन्नति नहीं हो सकती। देखिए, हमारे जीवन में भूमि का, मिट्टी का बहुत बड़ा महत्व होता है और भूमि दोष आपकी उन्नति में बाधक बना हुआ है। आपकी उन्नति में संतान के ग्रह मददगार हैं और यदि आपकी दो बेटियां हैं तो ये निश्चित रूप से आपके भाग्य की उन्नति में सहायक होंगी। इनके जो ग्रह, बेटियों के जो ग्रह हैं, ये आपकी जीवन की उन्नति में सहायक होंगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो मैं उपाय बता रहा हूं ये निश्चित रूप से समझ कर करें। भूल कर भी अपने घर में जंग लगा हुआ लोहे का सामान ना रखें और सबसे बड़ी बात है कि दूध में चमेली के पुष्प मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव का अभिषेक करते हुए शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करते रहें। बिल्कुल, कर्क राशि वालों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहने वाला है? कर्क राशि पर जो ग्रह स्थिति देख रहा हूं, चूंकि आज सोमवार भी है, एकादशी तिथि भी है, तो संतान के भाग्योदय में अभी कुछ विलंब की स्थिति बन रही है और इसके साथ ही जीवन साथी को समय देने की जरूरत है। पैतृक संपत्ति को लेकर के पारिवारिक विवाद आपका बढ़ सकता है और इसके लिए जो उपाय है आपको करना क्या है ये समझें। आज सायंकाल के समय शिव मंदिर में शुद्ध घी से दो घी की बत्तियां जला करके और उनके सामने शिव महिम्न स्तोत्र का, पुष्प दंत नामक गंधर्व है जिसने इस स्तोत्र की रचना की, बामन मंत्र है इसमें, इसका आप दो बार पाठ करें। ये ध्यान रखें कि जब तक आप पाठ करते रहें बत्तियां जलती रहें और उसके साथ ही जिस समय आप पाठ करें संभव हो सके तो आप उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें और आसन जो है ये सफेद रंग का प्रयोग करें। बेहद लाभ जी। और हमारे दर्शक जो है लगातार कॉल कर रहे हैं, ब्रिजभूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजभूषण जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं कारोबार है मेरा जी कबाड़ का, तो कम चल रहा है जी और शरीर में भी दिक्कतें आ रही हैं काफी जी, परेशान हो रहा है जी। पैसा से जन्म समय और डेट बताएं। ब्रिजभूषण जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और टाइम क्या है? जी, मेरा 10/10/69 है जी। और समय? समय तो याद नहीं है सर। जन्म डेट फिर से बताइए। 10/10/69। हाँ जी। तो देखिए, आपकी जो कुंडली बन रही है वर्तमान समय में मेरे सामने, चूंकि आपका जन्म समय नहीं है तो हमने इसको सूर्योदय से आपका जन्म समय लिया है, तो मकर लग्न की कुंडली आपकी बन रही है और मकरोदय संजाता नीच कर्मा भू प्रजा लुद्धोलसो विनष्टश्च स्वकार्येषु कृतोद्यमा। देखिए, आप अपने कार्य में बहुत उद्यमी हैं और आपकी जो भाग्य स्थान है, नौमा स्थान है, यहाँ पर सूर्य, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा, ये चार ग्रहों का योग बन रहा है और इस प्रकार से जो चार ग्रह योग होते हैं इसको राजयोग कहा जाता है। सर्वे त्रिकोण ने तारो ग्रह शुभ फल प्रदा, ये त्रिकोण में बैठ करके राजयोग बन रहा है, इसलिए आपको किसी प्रकार से भी परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बात निश्चित है कि आपका जो भाग्योदय है ये 45 वर्ष की आयु में होगा। बिल्कुल शास्त्री जी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक वास्तु टिप आपको देंगे शास्त्री जी। शास्त्री जी, विद्यार्थियों के लिए क्या वास्तु टिप लेकर आए आप? देखिए, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी हैं और उनका पढ़ाई में उनकी मानसिक एकाग्रता नहीं है या ठीक से पढ़ते भी हैं उनको याद नहीं होता है, तो ऐसे विद्यार्थियों को वास्तुशास्त्र में उपाय लिखा है कि उनको चाहिए कि वो पढ़ते समय अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की ओर रखें, क्योंकि यह उत्तर दिशा और पूर्व दिशा जो है ये बुद्धि और विकास की दिशा है। अगर आप इस दिशा में मुख करके और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक एकाग्रता होगी और स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, इससे आपको आपका जो सब्जेक्ट है, विषय है, आपको याद होगा। और चलिए, आपके इस टिप से हम उम्मीद करते हैं कि जरूर फायदा होगा।
या फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पंचांग में। और हम राशियों की बात कर रहे हैं, आपके फोन कॉल्स भी ले रहे हैं, आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। बारी अब तुला राशि की है। शास्त्री जी, तुला राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला आज का दिन? जहां मैं तुला राशि के ग्रह स्थिति पर देख रहा हूं, काला धन आपकी तरक्की में बहुत सहयोगी होगा, सहायक होगा, और घर में आपके चोरी का योग भी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके घर में जो चोरी होगी वो रात्रि में नहीं होगी, दिन में होगी। इसलिए दिन में अपने घर को छोड़ करके बाहर ज्यादा घूमने ना जाएं। और इसके लिए जो उपाय हैं, आप ये समझें कि शिव मंदिर में सायंकाल के समय और शिव भक्त रावण के द्वारा जो रचित है शिव तांडव स्तोत्र, जटाट वी गलत जलत, इसका पाठ आप अवश्य करें। चलिए बारी है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? वृश्चिक राशि की हम बात कर रहे हैं, चूंकि तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि का आना होता है, इसलिए व्यापार या नौकरी में बदलाव की स्थिति बन रही है। न्यायालय के मुकदमे आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। इसके लिए जो मैं उपाय दे रहा हूं, ये समझें कि दूध में गुड़ और लाल चंदन मिलाएं और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए, इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हुए और भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करें, और संभव हो सके तो आप तांबे की धातु से बने शिवलिंग का अभिषेक करें, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए हमारे दर्शक में लगातार कॉल कर रहे हैं शास्त्री जी, और जानने की कोशिश करें कि कैसा रहने वाला है उनका भविष्य। हमारे साथ कृष्णा जुड़ चुके हैं मुंबई से। कृष्णा जी, क्या सवाल आपका? मुझे जन्म तारीख है 31 अक्टूबर 1987। और समय? समय 12:35 दोपहर, वाराणसी। 12:33 वाराणसी। कृष्णा, क्या सवाल है आपका? कैरियर, आयु और विवाह के बारे में प्रश्न है, जो कुछ भी आप जल्दी से बता सकते। देखिए कृष्णा जी, आपकी कुंडली बन करके मेरे सामने तैयार है, और इस कुंडली में जो आपके ग्रह योग बन रहे हैं, यह बहुत ही विचित्र स्थिति में ग्रहों की स्थिति बन रही है। यद्यपि आपकी कुंडली में सुनफा नाम का योग है, और सुनफा नाम के योग में वह व्यक्ति बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है और उसके जीवन में बहुत सारी उन्नतियाँ होती हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि चूंकि सुनफा नाम का योग है, इसलिए आप अपने जीवन में सूर्य की पूजा करने का प्रतिदिन का नियम बनाएं। सूर्य की पूजा करने से आपके जीवन का भाग्योदय होगा। संभव हो सके तो आप 5.25 रत्ती का माणिक और अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर पर तर्जनी उंगली पर धारण कर लें, और उसके धारण करने का विधान यह है कि एक दिन पहले आप उसको तांबे के बर्तन में घी भरकर और पीले कपड़े में उस माणिक को बांध करके रख दें, और दूसरे दिन गंगा जल से शुद्ध करके उसको धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। बिल्कुल कृष्णा, उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा जरूर पहुंचेगा। इसी के साथ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बाकी जो 6 राशियां हैं उनके बारे में बताएंगे, और इस बीच आप लगातार हमें फोन भी कर सकते हैं और ज्योतिष आचार्य से समाधान जान सकते हैं। हमारा नंबर है 01204341640। फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पंचांग में। हम राशियों की बात कर रहे हैं, कैसा रहेगा आपका दिन, और सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, ये जानते हैं शास्त्री जी से। जहां पर मैं सिंह राशि के ग्रहों को देख रहा हूं, व्यापार या नौकरी में बदलाव की स्थिति बड़ी ही स्पष्ट रूप से बन रही है, और इसके साथ ही न्यायालय के मुकदमे आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। इसके लिए जो मैं उपाय दे रहा हूं, आप ये उपाय समझें कि दूध में गुड़ और लाल चंदन मिलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हुए भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। संभव हो सके तो तांबे के धातु से बने शिवलिंग का अभिषेक करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला शास्त्री जी? कन्या राशि पर संघर्ष का समय चल रहा है, नवीन कार्य को लेकर के उनको आप कार्यान्वित करें, लाभ होगा। अभी आपको संयुक्त परिवार में रहने का ग्रह योग बन रहा है, अभी ऐसा कोई ग्रह योग नहीं है कि आप अपना नया अलग से मकान बना सके। इसके लिए एक बड़ा ही सिद्ध मंत्र है और शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, ओम नमः शंभवाय। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, और जाप के लिए आपको चाहिए कि आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। ससुराल से फल की इच्छा, किसी प्रकार से भी कोई वस्तु लेने की इच्छा आप बिल्कुल ना करें।
शास्त्री जी, हमारे दर्शक हमें लगातार मेल्स भेज रहे हैं, फोन कर रहे हैं। एक हमारे दर्शक मनोज भाटिया हैं, उनका भी मेल आया है। इनकी जन्मतिथि है 16 नवंबर 1987, जन्म समय है सुबह 5:45 और जन्म स्थान इनका गांधीधाम गुजरात है। ये सवाल अपनी शादी के लिए पूछ रहे हैं, इनकी शादी कब होगी। देखिये मनोज जी, आपने जो प्रश्न किया है और आपकी जो कुंडली मेरे सामने उपस्थित है, यह कुंडली आपकी जो बनती है यह तुला लग्न की बनती है और तुला लग्न में आपका सूर्य नीच की राशि का होकर के बैठा हुआ है और वर्तमान समय में उच्च का बृहस्पति आपका दशम भाव पर केंद्र पर होकर के चल रहा है। आपकी जो विंशोत्तरी महादशा है, इस महादशा को जहां तक मैं देख रहा हूं, इस विंशोत्तरी में राहु की महादशा चल रही है और उसमें बृहस्पति का अंतर केतु का प्रत्यंतर चल रहा है 7 मई 2017 तक, लेकिन उसके बीच में जो केतु का अंतर आ रहा है वो 18 फरवरी 2016 से आपका जो केतु का अंतर समाप्त हो रहा है और आपके इसके बाद शुक्र की अंतरदशा आरंभ होगी। और यह बात निश्चित समझें कि शुक्र ही पुरुष के विवाह का कारक ग्रह होता है, इसलिए आपका फरवरी 2016 के बाद विवाह योग बन रहा है और आपका विवाह इस समय में निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिए शास्त्री जी, उपाय क्या है इनके लिए? इसके लिए आपको चाहिए कि आप केतु का उपाय करें। अगर आप उससे पहले विवाह करना चाहते हैं, केतु का उपाय करें, लड्डू में दूर्वा का अंकुर डाल करके और भगवान गणपति को बुधवार के दिन प्रसाद चढ़ाएं और गणपति जी का आशीर्वाद लेकर प्रसाद भक्तों में बांटें और दूर्वा की माला बना करके आप भगवान गणपति को चढ़ाएं, उनका गणपति भगवान का पूजन करें। इससे आपके जीवन की जो समस्त बाधाएं हैं वो दूर होगी और आपका विवाह भी होगा, धन धान्य की उन्नति भी निश्चित होगी। बिल्कुल। एक और हमारी दर्शक है जिन्होंने हमें पत्र लिखा है, इनका नाम नीरा बत्रा है। शास्त्री जी, जन्मतिथि इनकी 17 जून 1993 है, जन्म समय सुबह 10:20 है, जन्म स्थान इनका दिल्ली है। सवाल पूछ रही है कि हर कार्य में असफलता हाथ लगती है, उपाय बताएं। देखिए नीरू जी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो कुंडली है ये सिंह लग्न की बन रही है और सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है। सिंह लग्नोदय जाता भोगी शत्रु विमर्द कहा, स्वल्पोदरो अल्प पुत्रश्च सोत्साही रण विक्रमी। देखिए आपका जो शनि है आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर और अपनी राशि कुंभ राशि का होकर के बैठ रहा है और इस प्रकार से जब शनि अपनी राशि का होकर के केंद्र में बैठता है तो उसको शस योग कहते हैं। आपकी कुंडली में शस नाम का योग बन रहा है, आप मंगलिक भी हैं और वर्तमान समय में जो आपकी महादशा चल रही है वो मंगल की महादशा चल रही है और उसमें चंद्रमा का अंतर चल रहा है। आपका प्रश्न है कि हमें असफलता मिल रही है, तो आप ये समझें कि जब तक आपकी राहु मंगल में, जब तक चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी तब तक आपको सफलता की प्राप्ति कम होगी क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर चंद्रमा बैठा हुआ है। तो आपकी सफलता का जो समय आरंभ हो रहा है वो 18 जनवरी 2016 से शुरू हो रहा है। आपको चाहिए, जो मैं उपाय दे रहा हूं आप ये उपाय करें, नीलम और हीरा सोने अथवा प्लेटिनम की अंगूठी में बनाकर एक ही अंगूठी में दोनों रत्न जड़वाएं और उसको धारण करें और श्री हनुमान जी की पूजा करने का अपना नियम आप अवश्य बनाएं, निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। चलिए शास्त्री जी, लौटते हैं राशियों की तरफ, कैसा रहेगा आज का दिन? तो धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए जहां मैं धनु राशि की स्थिति को देख रहा हूँ, संघर्ष का समय समाप्त हो चुका है, बहुत परेशानियां थी अब समाप्त हो गई, पारिवारिक तनाव और झंझटें भी अब समाप्त हो गई है, मानसिक प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। दूर यात्रा में गए हुए माता पिता आपके घर वापस आ सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर गए हुए माता पिता घर वापस आएंगे। और जो उपाय दे रहा हूं ये उपाय आप करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सोने के कड़े में 3 जगह ओम लिखवा करके और मध्याह्न के समय, दोपहर के समय अपने धर्म पत्नी को आप ये कड़ा भेंट करें और दूध में हल्दी या केसर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करें। शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्ट अध्याय एक पुस्तक है और उसके 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र से लेकर के 16 मंत्र तक रुद्र सूक्त का वर्णन है। अगर आप प्रतिदिन इसका पाठ करेंगे आपकी जीवन की उन्नति कोई रोक नहीं सकता। शास्त्री जी, और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए मकर राशि पर ग्रहों की स्थिति बहुत ही सुंदर, धन के लेन देन के कार्यों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए, आपके साथ में धोखा हो सकता है, उधार दिया धन अभी वापस मिलने का कोई चांस नहीं है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। और यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो समय मददगार है, बड़े पद की प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी। इसके लिए जो मैं उपाय दे रहा हूं
यह उपाय आपके लिए सोने में सुहागे का काम करेगा। शिव चालीसा के साथ शनि चालीसा का पाठ आप अवश्य करें, चाहे अपने घर में करें या मंदिर में करें, लेकिन यह उपाय अवश्य करें। और गंगा जल में 800 ग्राम दूध, चीनी और नीले पुष्प मिलाकर के आधे जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और आधा जल लेकर के पीपल की जड़ में डालें। आप देखेंगे 7 बार पीपल की परिक्रमा कर लें, आप देखिए आपके जीवन की उन्नति किस प्रकार से शुरू हो जाती है। बिल्कुल शास्त्री जी, और हमारे दर्शक हमें लगातार कॉल कर रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ सुलभ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सुलभ, क्या सवाल है आपका? जी पंडित जी, चरण स्पर्श, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/02/1987 और 21 फरवरी 1987, और मेरा जन्म स्थान है भिंड एमपी। और समय? और समय है 1960 PM, 7:16 शाम को। जी बिल्कुल। मेरा सवाल पंडित जी, जी मेरा सवाल पंडित जी ये है कि मेरा फ्यूचर में मेरी आर्थिक स्थिति और मेरा कैरियर कैसा रहेगा, और मेरी शादी के योग कब तक के हैं, और होगी भी तो वो लव मैरिज या अरेंज मैरिज? तो देखिए, आपकी कुंडली मेरे सामने बन करके तैयार है, और आपकी इस कुंडली में जो ग्रह योग बनते हैं ये बहुत ही सुंदर बन रहे हैं। देखिए, आपके विवाह का योग पूरी तरह से चल रहा है, और आपके विवाह में राहु की समस्या है। राहु के कारण आपके विवाह में विलंब है, और अभी जुलाई 2015 तक यही स्थिति रहेगी। जुलाई 2015 के बाद आपका विवाह योग बनता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप नीम के पेड़ में पानी डालें, और सायंकाल के समय शुक्रवार के दिन नीम के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाएं। एक दिया हर शुक्रवार के दिन नीम के पेड़ में जलाइए, बहुत जल्दी आपके सारे कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। हमारे अगले दर्शक पठानकोट से हैं, पद्मभूषण जी। पद्मभूषण जी, क्या सवाल है आपका? मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान नाम बताइए। 23 मार्च 1991। समय? सुबह 7 बजे, संगरूर पंजाब। सवाल क्या आपका? मैं उसकी सर्विस और शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। देखिए, आपकी कन्या का जो ग्रह योग बन रहा है, इसमें अनफा नाम का योग बन रहा है, और अनफा नाम के योग के जो व्यक्ति होते हैं, इनके क्वचित सौभाग्य, क्वचित देव रेव, कभी तो ऐसे लोग बहुत उन्नति कर जाते हैं, और कभी उनका भाग्य बिल्कुल नीचे हो जाता है। प्रायः ऐसे लोगों का जीवन दूसरों के सहयोग से और सुखों की प्राप्ति होती है। नौकरी का योग तो इनका बिल्कुल पूरी तरह से बन रहा है, और बहुत जल्दी जून में इनकी नौकरी निश्चित रूप से लग जाएगी। मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में नौकरी लग जाएगी। विवाह की जहां स्थिति मैं देख रहा हूं, इनके विवाह का योग 2017 के स्टार्टिंग में बनता है। इसके लिए इनको चाहिए कि गौरी पूजा प्रतिदिन करें, गौरी चालीसा का पाठ करें, बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। और अगर आप अगर आप कोई व्यापार शुरू करने वाले हैं, कोई बिजनेस करने वाले हैं, और आपको चाहिए कोई टिप्स, तो शास्त्री जी लेकर आए हैं आपके लिए व्यापार के टिप्स, वास्तु टिप। क्या हो शास्त्री जी, बिजनेसमैन के लिए आज क्या टिप है आपके पास? देखिए, अगर आप व्यापार करते हैं और व्यापार में आपकी उन्नति नहीं हो रही है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं आपके घर में निश्चित रूप से दोष है। क्योंकि जब हम व्यापार की स्थिति देखते हैं, तो हम दुकान नहीं पहले घर देखते हैं। अगर घर ठीक ठाक है, तो फिर उसके बाद दुकान की स्थिति देखते हैं। तो घर के पश्चिम दिशा में आम, पीपल, नारियल या नीम के बड़े वृक्ष लगाएं, और बड़े वृक्ष अगर आपके घर के पश्चिम दिशा में लगे होंगे, तो निश्चित रूप से आपके घर में धन की वृद्धि होगी। आप उन बड़े वृक्षों को काटें नहीं, और उसकी बल्कि आप उनके पेड़ों में, उन पेड़ों की जड़ों में पानी डालिए। जितना हरे भरे रहेंगे, उतना ही आपके घर की वृद्धि होगी। बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे फायदा भी जरूर होगा बिजनेसमैन्स को। इसी के साथ वक्त चलाए छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम पंचांग में। राशि की बात कर रहे हैं, बारी कुंभ राशि की है। कुंभ राशि वालों के लिए शास्त्री जी, कैसा रहने वाला आज का दिन? कि जहां पर मैं कुंभ राशि में ग्रह स्थिति देख रहा हूं, विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता का योग है, आय के साधनों में वृद्धि होगी,
और सबसे बड़ी बात है कि उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संबंध आपके बन सकते हैं। अभी लंबी यात्रा में आपको नहीं जाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अब जो मैं उपाय दे रहा हूं आप समझें कि आपको करना क्या है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, इनका आपको स्मरण करना चाहिए। सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनका स्मरण आपको प्रतिदिन प्रातःकाल करना चाहिए और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। काले नीले कपड़े पहनने से आपको परहेज करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। लिया बारी आखिरी राशि मीन राशि की है। मीन राशि वालों के लिए एकादशी का दिन कैसा रहने वाला है? मीन राशि पर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, ऐसा ही योग बन रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होगा और यदि आप महिला हैं तो स्वर्ण आभूषण की प्राप्ति का योग भी आपकी राशि पर बन रहा है। अब जो उपाय है आप इस उपाय को समझें। शिव पुराण अगर आपने पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लीजिए। शिव पुराण में वर्णित एक विद्येश्वर संहिता है और 9 संहिताएं हैं, उसमें विद्येश्वर संहिता का पाठ आपको करना बेहद लाभकारी होगा। और ब्राह्मण को खीर में पंचमेवा घी और केसर डाल करके भोजन कराएं, पीले रंग के धोती कुर्ता के साथ दक्षिणा भेंट करें और ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके समस्त अनिष्टकारी ग्रहों का निवारण, ग्रह दोषों का निवारण होगा और शुभ फल की प्राप्ति उत्तरोत्तर होगी। शास्त्री जी, हमारे दर्शक हमें लगातार फोन कर रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं हमसे। हमारे साथ अभी वीसिंह जी थाने से जुड़ चुके हैं। वीसिंह जी, क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार आचार्य जी, पहले अपना जन्म टाइम और डेट बताइए। मैं अपने बच्चे के विषय में पूछना चाहिए था कि 15 दिसंबर 1986 रात्रि के 11:32 पर, उनके विषय में पूछना था कि उनका प्रमोशन कब होगा और शादी कब तक होगी। देखिए, आपकी कुंडली मेरे सामने बन करके तैयार है। इस बालक का जन्म सोमवार का है और मृग शिरा नाम का नक्षत्र है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आपकी राशि पर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, ये बहुत ही सुंदर ग्रहों का योग बना हुआ है, क्योंकि सिंह लग्न का जन्म है और वृष राशि का बालक है। वृष राशि के लोग बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। विवाह की जहां पर मैं बात कर रहा हूं, विवाह अभी इनका जुलाई, चूंकि जुलाई में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और लग्न से सप्तम भाव को यह बृहस्पति देखेगा, तो जुलाई के बाद, 17 जुलाई के बाद इसका विवाह का योग आरंभ हो जाएगा। यद्यपि बालक मंगलिक है और मंगल के साथ बृहस्पति बैठा हुआ है, तो इसलिए विवाह में कुछ अड़चने समस्याएं आएंगी। इसके लिए आपको चाहिए कि भगवान शिव की पूजा करना है, आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। वीर सिंह जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो शास्त्री जी ने आपको उपाय बताए उससे आपको जरूर लाभ होगा। शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आईबीएन 7 के स्टूडियोज में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और पंचांग में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको आपके समस्याओं से जो समाधान मिल गया, और आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। कल फिर हाजिर होंगे नए दिन और दिन के साथ बदलते सितारों की चाल के साथ। नमस्कार।